हेलो दोस्तों, मैं हूँ काजल और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2020 वालों की जो है कट ऑफ क्या रहेगी। जी हाँ, जो जो अपना 2021 में जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, इनका एग्ज़ाम का इस अक्टूबर में अप्लाई हुआ था फॉर्म और मार्च में होना था, ये सभी बात आपको पता है। लेकिन क्या होता हो गया था, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। अब एग्ज़ाम फाइनली डेट आ गई है जो कि आपकी नवम्बर से है, 11 नवम्बर से 15 तक जो है आपके स्टेनो वालों के एग्ज़ाम है। तो कौन से स्टूडेंट जो है 2021 में जो है अपना CBT 1 जो है क्लियर कर पाएंगे, क्या कट ऑफ रहने वाली है, पूरा डाटा के साथ आपको दिखाया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं। देखिए, ये रहा एसएससी स्टेनो की ऑफिशियल साइट पर, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइस, पूरे डाटा को एनालाइज करके वीडियो बनाई गई है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो है कौन से स्टूडेंट जो है CBT 1 में बैठ पाएंगे, जो है अपने जो है जोरों शोरों से अपने एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे, और उनको जो है अभी से ये जानना ज़रूरी है कि अगर उनकी इतनी कट ऑफ बन रही है या सेफ इसको इतना आ रहा है, तो वो जो है अपना CBT 1 आराम से जो है बिना टेंशन के जो है क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ बात कर दें तो देखिए 2019 की है, 2019 में देखिए क्या निकला था। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में देखिए यहाँ पर SC वालों के लिए 138 कट ऑफ गई थी, जिसमें जो है 216 कैंडिडेट जो है अवेलेबल हुए थे। ST वालों की बात करें तो 130 थी। अब ये मत सोच लेना कि 2019 की क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि गाइस SSC का ये रूल है, जो कट ऑफ बनते हैं ना, वो SSC के जो पुराने जितने भी ईयर के पीछे के आपने देखे होंगे, जैसे 2000 मैंने अभी देखा था, 2018 का भी देखा था, खैर 2017 या 16 के तो बहुत पुराने हो गए, मैंने देखा था 2018, उसी के अकॉर्डिंग जो है 2019 की कट ऑफ तैयार की गई है। अब 2019 के अकॉर्डिंग ही 2020 की भी तैयार की जाएगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर पहले जो है ये जो है 2019 की दिखा रही हूँ, फिर मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि 2020 में जो है क्या रहने वाली है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बताया आपको कि अगर SC वालों की थी पहले 2019 में 138 गई थी, 100 ST वालों की जो है 130 गई थी, और कैंडिडेट भी देख लीजिए, क्योंकि कैंडिडेट अगर कम आएंगे, कैंडिडेट कम अवेलेबल रहते हैं, तो उस पर भी जो है कट ऑफ पर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वैकेंसी अगर ज़्यादा जाती है गाइस, तो कट ऑफ हमेशा जो है कम 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 जाती है, और अगर वैकेंसी ही कम निकलेंगी तो कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो इस पर भी बहुत चीज़ जो है डिपेंड करती है, सारा ही मामला देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, OBC वालों के लिए 152 निकली थी, EWS वालों के लिए जो है 149 थी, और UR वालों के लिए 153 थी। ये थी गाइस ग्रेड आपके सी के लिए। वहीं अगर आप देखें ग्रेड डी वालों के लिए, तो देखिए ग्रेड डी वालों के लिए यहाँ पर जो है SC वालों के लिए तो निकली थी देखिए 120, ST वालों के लिए 96 निकली थी, OBC वालों के लिए 133, EWS वालों के लिए 122 और UR वालों के लिए 134 निकली थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एक चीज़ पर ध्यान दें तो यहाँ पर जो है टोटल जो वैकेंसी कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे, यहाँ पर जो एग्ज़ाम में हुए थे, वो हुए थे ग्रेड सी में 1215, और जबकि ग्रेड डी में हुए थे 7792। यहाँ पे देखिए सब कुछ शो किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इनकी कट ऑफ गई। अब मैं जो है आपको 2020 की बता देती हूँ क्या कट ऑफ जाने वाली है। अगर आपके जो है इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो आप जो है टेंशन ना लें, देखिए दिखा देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात करने वाले हैं जो कि 2021 में जो है आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेड सी वालों के लिए। जी हाँ, ग्रेड सी वालों के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, देखिए जो भी कट ऑफ आपको बताई जाएगी, पूरा डाटा को एनालाइज करके बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है फेक वीडियो बना दी गई है और आपको बता दी गई है। सब कुछ मैंने पहले जो है रिसर्च मारा है कि 2017 की कितनी थी, 18 की कितनी थी, 19 की मैंने आपको दिखाई दी है, तब जाके ये जो है बड़ी मेहनत की वीडियो बनाई जाती है गाइस। ऐसा नहीं है, आप लोग तो कमेंट कर देते हैं कि बना दी फेक वीडियो, लेकिन इस वीडियो को बनाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं वो सिर्फ हम ही को पता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है सारी जानकारी निकालनी पड़ती है, तब जाके आपको बताया जाता है। तो देखिए, चलिए बता लेते हैं, पहले ग्रेड सी वालों के ही बता देते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो ग्रेड सी में देखिए, अगर बात करें तो गाइस, अगर SC वालों की बात करें सबसे पहले, तो इनकी जाने वाली है गाइस 140 तक।
मुझे पता है आप लोग जो है बहुत अच्छे से जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ गाइस आप जो है अपना जो है 100% दें। अगर आपके गाइस 120 आ रहे हैं तो आप प्लस 20 और लाने की कोशिश करें, जिनके 150 आ रहे हैं वो प्लस 20 और यानी कि 170 लाने की कोशिश करें। तो मैंने अभी आपको बताया कि SC वालों के लिए जो है 140 है, किसकी, ग्रेड सी वालों की, ठीक है। और यहीं पर अगर ST वालों की बात करें तो इनकी रहने वाली है, इनकी भी लगभग ऐसे ही इनके पास जाएगी 140। और आपकी UR या आपकी OBC इनकी जो गाइस 160 जाएगी। तो अगर आपके जो हैं 150 बन रहे हैं या 140 बन रहे हैं तो और मेहनत कीजिए, ताकि जो है आप जो है अपना स्कोर अच्छा ला सकें, आप जो है CBT 1 में बैठकर अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। वहीं बात कर लेते हैं गाइज अगर ग्रेड डी वालों की, तो देखिए ग्रेड डी वालों की जो रहने वाली है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर हम SC वालों की, तो SC वालों की रहने वाली है गाइज 130, ठीक है। देख लीजिए आपका इतना स्कोर बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। और वहीं बात करें ST वालों की, तो ST वालों की रहने वाली है 100, ठीक है। और आपकी OBC वालों की रहने वाली है, आपकी OBC हो या फिर UR यानी कि अनरिजर्व्ड वालों की रहने वाली है लगभग 140 के करीब, और EWS वालों की 130 रहने वाली है, ठीक है। तो इनकी और इनकी तो लगभग पास ही रहने वाली है। तो ये जो है ग्रेड सी की और ये ग्रेड डी की रहने वाली है कट ऑफ। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।